प्रयागराज जनपद के हंडिया कोतवाली बरूद बाजार में पीड़ित महिला प्रभा देवी चौहान ने बताया कि पड़ोसी यादव लोग उनके जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। इसकी शिकायत पीड़ित महिला ने अधिकारियों को दी है, पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं पर रात में दबंगों ने पीड़ित के घर में करीब 30 से 35 लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की और मारपीट की। किसी तरह पीड़ित परिवार अपनी जान बचा पाया और पीड़ित परिवार का कहना है घर में लड़कियां थी, दबंगों ने उनके साथ बदतमीजी की है और धमकी भी दी है। वहीं पर जहां प्रदेश की योगी सरकार महिला सशक्तिकरण व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जैसे महत्वाकांक्षी योजना के तहत महिलाओं को जागरूक करने का कार्य कर रही है, तो वहीं पर स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रदेश सरकार की मंशा पर पूरी तरीके से पल्लीता लगाया जा रहा है। प्रदेश सरकार की सभी योजनाएं सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह गई और कागजों में ही अपना दम तोड़ रही है। उत्तर प्रदेश में बेटी और गरीबों को कोई न्याय नहीं मिल रहा, ये कहावत पीड़ित परिवार पर स्टिक बैठ रही है। वहीं पर पीड़ित महिला अपने बच्चों को लेकर दर दर की ठोकरें खा रही है, मगर संबंधित अधिकारी के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। ऐसी घटनाएं हंडिया थाना क्षेत्र के बरोद चौक के अंतर्गत आए दिन देखने को मिलती हैं। ममता सिंह चौहान, कौन सा गाँव है? बरोद। क्या मामला है? मामला ये है सर कि हम लोग यहाँ हमेशा से रह रहे हैं, बचपन से रह रहे हैं, लेकिन ये लोग कुड़की से आके 20-35 लोग आके यहाँ हम लोग का कब्जा कर रहे हैं जबरदस्ती। हम लोग का मुहार खुला हुआ है, मुहार खुला हुआ है, लेकिन लोग जबरदस्ती बंद कर दिए हैं। कल रात को ये लोग ईंट पत्थराव किए हैं। हम कल सुबह ससुराल से आए हैं। तो यहाँ पर ईंट पत्थराव करने के बाद क्या कुछ और घर में ये लोग जबरदस्ती हमारे घर में घुसा है, उल्टा सीधा बद्दी बद्दी गालियाँ देने लगे सर। हम लोग बस यहाँ लड़कियाँ हैं, कोई हमारे घर में बड़ा है ये नहीं है कि हमारे पापा हैं, बचपन से ही गुजर गए थे जी। तो हम लोग तो आप शासन प्रशासन से क्या मांग करती हैं? प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? यही मांग करते हैं कि हम लोग के साथ न्याय हो, अन्याय अच्छा, ना हो। तो ये जो आपके घर में धावा बोले थे ये लोग कहाँ यहीं रहने वाले हैं कि बाहर के हैं? बाहर के रहने वाले हैं, कौड़ी के रहने वाले। तो जब आपका ये घर का दरवाजा बंद कर रहे हैं तो आप लोगों ने विरोध किया था? विरोध किया था, लेकिन हम लोग सर लड़की थे, लड़की साहब हम लोग कमजोर हैं। हम लोग विरोध करने गए तो ये लोग हाथापाई किए, हम लोग के साथ बदतमीजी की, जबरदस्ती गालियाँ दे रहे थे। ये सब प्रभा देवी, कौन सा गांव है? बराबर। क्या मामला है? ये हम यहाँ 50 साल से रह रहे हैं, ये लोग आकर के यादव लोग। कौन है? यादव है, यहाँ से 50 किलोमीटर इन लोगों के घर है। हाँ। और आकर के जबरन हमारे घर में कब्जा कर रहे तो थे, और उसके बाद हमारी तो लड़की भी दो सयान थी और लड़की के ऊपर भी हाथ डाल रहे थे। अच्छा, तो ये जो यादव है बगल में रहते भी है? नहीं, यहाँ पर रहते नहीं, हम भाड़ा मकान दे के चले गए हैं। 2015 में जबरदस्ती हम कब्जा कर लिए थे। अच्छा, वो जमीन आपकी थी पहले? पहले से मेरी थी। हाँ, तो इसके तो आपने इसकी शिकायत कहीं पर किया कुछ? हर जगह सब शिकायत किया है, वो लोग पैसे वाले हैं, हर जगह पैसा दे करके हमारा मामला बंद करवा देते हैं। अच्छा, तो ये जो तोड़ फोड़ हुआ है कब हुआ? कल रात में किए थे, 9 बजे रात। 9 बजे रात, हाँ, 8-9 बजे के बीच में वो लोग आए, 20-35 लोग। हाँ। मेरे घर पर जबरदस्ती ईंटा पत्थरा चलाए, जिसमें कि हम लोग भाग गए चौकी में। हाँ। लेकिन चौकी वाले आए दो लोग, वही लोग रुकवा करके चले गए, लेकिन वो लोग पहले से ही मार चुके थे। अच्छा, तो अब क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से? प्रशासन से मांगे करते हैं कि हमारे संग न्याय करें। हमारे जो लड़के, एक लड़का है 15 साल का जो कि वो पढ़ रहा है अभी, हमारे साथ न्याय करें। हमारी लड़कियाँ छोटी छोटी हैं, हमारे साथ न्याय करें। तो क्या आने के बाद यहाँ पर तोड़ फोड़ और क्या किए थे? आने के बाद तोड़ फोड़ किए, हमारी लड़कियों के साथ उल्टा सीधा गाली पकड़ दिए, उल्टा सीधा कर कोशिश उन लोगों के साथ कर रहे थे। जबरन मेरा दरवाजा बंद कर दिए। हाँ। पीछे से प्लास्टर कर दिए। अच्छा, हम लोग वहाँ गए तो हम लोगों को मारने के दौड़ाए, तो हम लोग चले गए बाहर, बाहर निकल गए सुबह रात में। किसी का नाम बता सकती हैं जो आए थे? कल्लू यादव हैं, पप्पू यादव, राम बाबू यादव और एक और था कट्टर यादव। अब बाकी लोग को नहीं जानते, यहाँ के नहीं है, बाहरी है। ये लोगों का घर यहाँ पर नहीं है, कौड़ी के यादव हैं। तो हाथ में कुछ लिए थे कैसे? हाथ में सरिया रम्मा, उसके बाद अद्धा पत्थरा चला रहे थे और उसके बाद घर में घुस रहे थे। सारे सामान उठा ले गए, तोड़ फोड़ कर दिए, मेरे घर में एक सामान भी नहीं बचा है, सब उठा ले गए। हम गरीब महिला आई, हमारे साथ न्याय करें, हमारा आदमी भी नहीं बटे, विधवा महिला ही हम।